So today we'll be discussing about how to make a difference in the organizational culture. And this happens with your motive and motivation. So let me share this thing here. So पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि organizational culture आपका कैसे लगता है आपका ऑफिस आपको. बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि 9 to 5 जॉब पेनफुल है काफी. मंडे हो गया सो पेनफुल. आज छुट्टी है. व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस टुडे इज अ हॉलीडे महावीर जयंती 2023 एंड आई एम हैप्पी बीइंग एट होम. और आप लोगों को कैसे लग रहा है घर में है. इज इट ओके. इज इट आर यू एंजॉयिंग. तो फर्क तो यही है ना कि आप घर में हो एंड यू आर एंजॉयिंग और आप ऑफिस जाते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता. तो यहाँ पे डिफरेंस तो आता ही है. आपको आपने कितना भी बोला हो कि आपका ऑफिस बहुत अच्छा है फिर भी अगर आपको छुट्टी के दिन बहुत खुशी होती है. ऑफ कोर्स घर में भी कुछ काम ऐसे होते हैं. घर का माहौल भी ऐसा होता है कि आप बहुत ही खुशनसीब है कि आपका घर भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है एज गुड एज आपका ऑफिस. तो क्या कहने है? बहुत ही अच्छी बात है. बट थोड़ा सा भी कहीं झिझक अगर आता हो और आएगा क्योंकि 90% ऑफ ऑफिस का माहौल तो वैसा होता नहीं जैसे हम चाहते हैं कि एक दोस्ती दोस्ताना माहौल हो. बॉस है तो वो थोड़ा सा समझे. मेंटर जैसे काम करे. हमारा बॉस हमारा मेंटर होता ही नहीं है. कितने लोगों को मेंटर होता है क्योंकि वो एक स्टेप अहेड होता है. हो सकता है कि उसमें वो मोटिवेशन ना हो उसकी अपब्रिंगिंग भी वैसे ना हो कि वो आपको गाइड कर सके प्रॉपरली. वो अपने अपने आप में वो काफी इनसिक्योर्ड है. इनसिक्योरिटी जो होती है ना वो काफी परेशान करती है. उस किसी और के लिए आपका भले ही इंस्टेंटली कोई इनसिक्योरिटी ना हो मतलब कोई आपका कंपटीशन ना हो फिर भी आपको इनसिक्योरिटी होने लगती है क्योंकि दूसरे के पास आपने कुछ ऐसे टैलेंट देखा है. टैलेंट तो दिखता है. वो आपके बॉस तक जाता है कि नहीं. बॉस और आपके बीच में अगर कई सारे लेयर्स हैं तो सही बात पहुंच नहीं सकती. सबसे बढ़िया बात क्या है कि आप कैसे हो. तो इसीलिए मेरे पास वो 6 टिप्स है जो लेके आप ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर में डिफरेंस डाल सकते हो. आपके रूल रेगुलेशन या फिर जो भी गाइडलाइंस है वो कैसे भी हो. तो ये मेरा एक्सपीरियंस है मी बीइंग माइसेल्फ. क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो इंचार्ज रहोगे और एक्चुअली मैं ऑथोरिटी मैं हूं या नहीं हूं because of my acceptance of various kind of people. लोगों के insecurities से भी तो आप accept करते हो ना कि बंदा अगर आपका ही कोई हो आपके घर में ही कोई हो आपका प्यारा कोई हो और insecurity से ग्रस्त हो तो what do you do? आप उनको accept तो करोगे ना. ऐसा नहीं है कि relationship काट दोगे. तो just बहुत सारी जगह पे ऐसा करना बहुत मुश्किल है. ऐसे नहीं बोल रहे हो कि आप महात्मा बन जाओगे but If you are very proud of yourself, ना थोड़ा सा एक्सेप्टेंस तो आता ही है. अगर आप खुद में ही इतने इनसिक्योर हो कि किसी और को आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो देन डिफिकल्टी है. तो चलिए देखते हैं कि हाउ कैन यू मेक दैट डिफरेंस. तो ये रहे डिफरेंस. लेट मी सी इफ देर इज this thing. Do you know how to contribute for organizational culture? ये मैंने इसलिए बोला कि बहुत सारे senior level पे मैं senior लोगों की बात कर रही हूँ. वो जब senior level पे आते हैं then they have a responsibility to contribute towards the organizational culture. Organization बहुत अच्छा अगर उसका जाता है. आजकल तो बहुत सारे ट्रैकिंग टूल भी है मॉनिटरिंग टूल भी है जैसे ग्लास डोर है जहाँ पे आपके आ जाते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दूसरे लोगों ने जो यहाँ से छोड़ के गए क्या बोले.
थोड़े दिनों के बाद बहुत सारे लोगों के और इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेंसिबिलिटी आ जाती है. तो हैज दैट सेंसिबिलिटी रिफ्लेक्टेड इन ग्लासडोर? तो ये थोड़ा देखिए, ये एक तरह का है. तो ग्लासडोर तक नहीं जाते हैं अभी आज के दिन में, कैन वी कंट्रीब्यूट? तो हम किसी भी लेवल पे हो, कैन वी कंट्रीब्यूट? तो इसमें क्या होता है कि आपका खुद का मोटिव क्या है और मोटिवेशन लेवल क्या है, इससे काफी फर्क पड़ जाता है कि आप कैसे हो. तो इस यहाँ पे मैंने लिखा है, ये पार्ट ऑफ द इमोशनल इंटेलिजेंस है. आप कितने इंटेलिजेंट हो इमोशनली, ये फर्क पड़ जाता है. और मैं आज का डेट डाल देती हूँ, दिस इज 4th अप्रैल. और मैं माई कोर्स, मतलब ये कोर्स मैं कर रही हूँ ना, ये जो गाइडेंस या टिप्स मैं देती हूँ, दिस इज फॉर वुमेन स्पेशली. वैसे तो मैन भी हो सकते हैं इसको करने के लिए, लेकिन जो कि वुमेन काफी ज्यादा स्ट्रगल करते हैं घर की वजह से एंड ऑफिस के माहौल की वजह से. घर से जो थोड़ा सा डिप्राइव्ड है, उनको ऑफिस में भी थोड़ा सा अपने आप को साबित करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है. तो उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप अगर अपने मोटिव और मोटिवेशन से इंस्पायर्ड हैं, देन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ऑफिस में कौन क्या बोलता है और घर में क्या बोलता है. मैं जानती हूँ कि ये बहुत बड़ा सा स्टेटमेंट है, बहुत आसान नहीं है. आपको कुछ चुभ रहा है यहाँ पे और मैं ज्ञान दे रही हूँ, ये आसान नहीं है मैं मानती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके तो आप कोशिश करोगे. जो मैंने बोला है, मैं चाहूंगी कि आप थोड़ी सी कोशिश इस डायरेक्शन में करोगे. अचानक से मैं नहीं बोल रही हूँ, इट टेक्स टाइम, क्योंकि आपके सरकमस्टेंस को बदलने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना. बट कहाँ बदलेगा वो, कैसे बदलेगा वो? जब तक आप नहीं बदलोगे, आपका माहौल बदलना बड़ा मुश्किल है. सो मेक दैट चेंज इन योरसेल्फ फर्स्ट. ये तो सभी कोई बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, मैं कोई नई बात नहीं कर रही. तो वो जो आप सुनोगे और वो जो आप चेंज करोगे, वो अचानक से एक दिन में आप अपना 10^7, 8 नहीं हो सकता. आप कल तक अगर कुड़ रहे थे, चिढ़ रहे थे, आज आप अचानक से बहुत हंसमुख और वो नहीं हो सकती. बट कल से आज कम हो सकते हैं और अचानक से आप थोड़ा थोड़ा कम करके जाओगे, तो ये 7-8 दिनों में आप देखोगे कि आप एक्चुअली में बहुत खुश. सो चलिए चलते हैं, इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं. और ये जो ट्रायंगल मैंने लिया है, उल्टा ट्रायंगल, ये फनल शेप में है और इसको डिजाइन किया है जवाहिर दस्तूर ने. और ये मैंने लिंक्डइन में देखा, तो मैंने सोचा कि इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जो भी लोग यहाँ पे वुमेन स्पेशली देख रहे हैं, मेन के लिए भी है. इसमें क्या है कि सबसे पहले कि फन, आप सबसे पहले ऑफिस में जब जाते हो, आपका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि आप वहां पे मस्ती करोगे. हालांकि वो छोटा छोटा पहलू है आपके पूरे ऑफिस का माहौल में, छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत मायने रखता है कि मंडे को आपका बंदा ऑफिस आना पसंद करता है या फिर नहीं करता, राइट? तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पे क्या है जिसके लिए वो अपबीट हो. तो आपका एचआर जब उनका ओरिएंटेशन लिया होगा सबसे पहले, तो उन्होंने जरूर इस बात का ध्यान रखा होगा कि आप ये भी कर सकते हो यहाँ पे, यू हैव दिस ऑप्शन टू डू, यू कैन एक्सप्लोर दिस थिंग टू ग्रो मोर, ऐसे करके कुछ ओरिएंट किया होगा. तो उससे इनके कुछ एक्सपेक्टेशन बनते हैं. किसी नए बंदे का एक्सप्रेशन भले ही वो कितना झूठ है या फिर जो भी है आपको समझ आ रहा है, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट. आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है, आप खाली नहीं हो, दूसरों ने कैसा एक्सपीरियंस आपको दिया है. तो मैं क्या यहाँ बोल रही हूँ कि वो जो एचआर ने आपको ओरिएंट किया था आपके फन पोर्शन के बारे में, उसको आप रिटेन करें. ऐसा नहीं है कि एकदम से कोई एक्सपीरियंस हुआ, किसी ने कुछ बोल दिया और आप उसको भूल गए. तो आप उसको रिटेन करें. आप ऑफिस आने के लिए यू शुड फील अपबीट व्हाइल कमिंग टू ऑफिस.
भले ही ऑफिस में ये खराब है वो खराब है, ये आपको अच्छा नहीं लगता वो नहीं अच्छा लगता, बट एक चीज वो है जो आपको बहुत खींचता है ऑफिस जाने के लिए। क्या ऐसा कुछ है? नहीं है तो आप क्रिएट कर लो। सेकेंड है ट्रस्ट। वहां पे कोई आपका सुनने वाला है जो आपको विदाउट जजमेंट करेक्ट कर देता है, ठीक है। कुछ आप में गलती दिखता है तो वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि गलती सिर्फ आपने एक ने नहीं की, गलती बहुत सारी तरह के होते हैं और सभी कोई कभी ना कभी तो गलती करते ही हैं। तो आपकी गलती करके आपकी गलती कैसे स्टैंड आउट होता है? सबकी गलती अगर है और डिफरेंट टाइप की है तो जो बंदा सही से मेंटर होगा वो जज नहीं करेगा आपको, क्योंकि उसको पता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड से जब बंदे आते हैं वो उसको इंटरप्रेट बहुत सारी चीजों को अपनी तरह से करेंगे, तो वो शायद मैच नहीं करता और इसी से शायद कुछ गलतियां हो जाती। बट ये जो बंदा होगा इस बात की समझ उसको है, क्योंकि वो इमोशनली काफी तगड़ा है एंड ही नोस कि ये गलती आपकी आपकी आदतन नहीं है, दिस इज बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन। तो उसको वो सही जगह पे ट्विक कर देते हैं। थर्ड है सेटिंग अप फॉर सक्सेस। आपके ऑफिस में आप दो चीज देखोगे, ट्रांसपेरेंसी है नहीं है। बहुत सारे लोग एक ही बात को घुमा फिरा के ऐसे बोलेंगे कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं होगी, तो आपको क्लैरिटी नहीं है तो दूसरे ने आपको शायद क्लैरिटी नहीं दी, आपने जो सवाल पूछे आपके जो सवाल है उसके शायद सही से जवाब नहीं मिले। तो कैन यू डू समथिंग? आप खुद से एक जो भी आपने समझा हो उसका इंटरप्रिटेशन आप अपने पैराफ्रेजिंग करके अपने ही लैंग्वेज में अपने ही शब्दों में लिख के क्या एचआर के साथ क्लैरिफाई कर सकते हैं? एचआर से फिर से अगर आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिली तो क्या आप किसी दूसरे सीनियर के साथ जाके ये क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं, या फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो ऐसे ही चलता है? देखिए ये भी काम कर जाता है। जैसे मैं हूं तो मुझे कुछ बोला गया, नेक्स्ट अगर नहीं बोला गया तब तक मैं किसी और के जजमेंट लेके कुछ एक ओपिनियन नहीं फॉर्म करती। सो दैट इज वेयर आई फॉल्टर मोस्ट ऑफ द टाइम। बहुत सारे सबको पता चल गया, लोग बोलते हैं मुझे सबको पता चल गया, आपको नहीं कैसे पता? भाई पता इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने उसका बहुत सारा इंटरप्रिटेशन नहीं सुना। उसके बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, किसी भी स्कीम का, किसी भी गाइडलाइन का बहुत सारे इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। मुझे वो इंटरप्रिटेशन चाहिए जो अभी काम में लगेगा। मैं क्या करूं आगे? मुझे वो क्लैरिटी चाहिए, बस। क्या करने से मेरा ग्रोथ होगा? वो क्लैरिटी मुझे चाहिए और मुझे वहां पे नॉनसेंस नहीं चाहिए। सो आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। किससे करेंगे आप ये सोच? आपका बेंचमार्क क्या है, आपका मोटिव और मोटिवेशन, उसमें क्लैरिटी रहनी चाहिए। आप क्लियर हो इस बात को करते हुए आपको क्या चाहिए, ये आप बता सकते हो, फिर आपको बहुत ही क्लियर जवाब मिलेगा जिससे आप फिर बात कर सकते हो कि अच्छा this is the thing, then you do something and then go and ask for that. And jab tak ye clarity nahi milta, it is not your business to interpret. Beech beech mein interpret karne ka kaam aapka nahi hai agar aap HR mein nahi ho to. Next is groom your future leaders. To organization ka culture mein ye hona chahiye ki aap spot karte ho apne logon ko और उनको ग्रूम करते हो। ये जो ट्रस्ट आता है कि हर कोई, ऐसा कौन है जिसको नेक्स्ट लेवल के लिए नहीं ग्रूम किया जाता? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, कितना भी थर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां पे एक पॉलिसी होती है कि किसी के पास कुछ
कुछ टैलेंट या फिर कुछ प्रॉमिस दिखा तो नेक्स्ट लेवल के लिए उसको करते हैं ग्रो. सो आप अपने लिए कुछ अच्छा ले लो कि आपके बारे में क्या उन्होंने इंटरप्रेट किया होगा. ये आप दूसरों को, आप अपने से जो जूनियर हैं उनके साथ ट्राई कर सकते. एक्सेलेंस इज ए टू वे स्ट्रीट. अभी अभी मैंने कहा ना कि आप अकेले खुद होके किसी कोई ऑर्गेनाइजेशन का बेंच और कल्चर में कोई चेंज नहीं ला सकते. ऑर्गेनाइजेशन को भी उतना ही चेंज होना होगा. ना ऑर्गेनाइजेशन को चेंज होने के लिए आप अपने आप में एक बहुत बड़ा भारी सा चेंज हर पल लेते आने आना पड़ेगा. सो मेक दैट चेंज. आज अगर आप 10% खुश हो तो कल आप 20% खुश हो. 20% ज्यादा प्रोडक्टिव हो, 1% ज्यादा प्रोडक्टिव हो आज से. दीज आर एप्रिसिएबल चेंजेस जो लोगों को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है. हो सकता है थोड़ा बहुत आपको पीछे खींचने की कोशिश की जा सकती है, बट अगर आपका इंट्रेंसिक क्वालिटी है, आपका मोटिव और मोटिवेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दूसरे कैसे बिहेव करते हैं, देन इट विल बी इंटैक्ट. तो इनसिक्योरिटी आपको मिल सकता है. आप कितने भी कैपेबल हो, अगर आपको बॉस ऐसा मिल गया जो इनसिक्योर हो, बट बॉस को डील करने का तरीका भी है. उसको ना को बॉस कैसे भी, उसको अपने ग्रोथ का हमेशा पड़ी रहती. अगर पड़ी रहती है तो आप उनको ग्रोथ होने दो. ग्रोथ उनका होना है तो होने दो. कैसे होगा? इफ यू आर नॉट ग्रोइंग देन योर बॉस ऑल्सो इज नॉट ग्रोइंग. अगर आपको लगता है कि सारा काम आपने किया है और आपके बॉस ने कुछ भी नहीं किया है, तो भी वो आपका बॉस है तो उसने आपको वो जो 90% आपने किया है ना वो करने दिया. आप इसका ग्रेट ग्रेटिट्यूड उनको. तो मुझे पता है कि गुस्सा आता है और आज भी मैंने कुछ काम किया है और वो मेरे वाले टीम में एक सीनियर है और मैं हूँ. और जब भी कुछ काम करना पड़ जाता है, कुछ सजाना पड़ जाता है, कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ जाता है, तो इट इज मी हु आई डू हु डज द वर्क. वो नहीं करता. तो मुझे लगता है कि हमेशा ही खटकता तब है मुझे जब टाइम अगर 2 दिन का है, 2 दिन में अगर नहीं करेंगे तो तीसरा काम तो सर पे है. तब मुझे खटकता है कि भाई आप तो कुछ कर दो यार. कर तो मैंने बेसिकली कुछ करके दे दिया. कुछ लोग वहां पे रहते हैं तो उसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है और वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होता है. आप ना रोज, अभी मैंने जैसे मैंने एक ट्रिक सोचा है कि रोज का पूरे साल का मैंने प्लानिंग कर ली है कि क्या करना है, हर एक रोज क्या क्या काम करना है वो भी प्लानिंग. थोड़ी दिक्कत हुआ मुझे, 8-10 दिन लगे, बहुत सारा ब्रेनस्टॉर्मिंग मेरे आपस में अंदर में करने की जरूरत पड़ी बहुत सारे लोगों से. जो मेरा ऑर्गेनाइजेशन जो है 200 ऑर्गेनाइजेशन का एसोसिएशन है, तो फिर बहुत सारे लोगों से मैंने बात की, उनके व्यू पॉइंट्स लिए और फिर मैंने डाले. ये बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जो भी आप काम करते हो ना, एक 4-5 काम आपके पोर्टफोलियो में है. उस पोर्टफोलियो उसके अनुसार अगर अब कुछ और भी नहीं आपके दिमाग में आया कि आगे का क्या करना है, तो भी आप उसमें टॉपिक 1, सब टॉपिक 1-1, 1-2, 1-3 ऐसे 12-13-14 आप आइडेंटिफाई करके डेट वाइज डाल सकते हो. ऐसे करके आप प्लान कर सकते हो. उसमें बाद में आप भर सकते हो कि करना क्या है. एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा शुरू से कि अगले साल अक्टूबर में क्या होना है? काफी टाइम नहीं पता चलता. अगर नहीं पता चलता, पेंडिंग काम है तो आप उसको असाइन कर सकते हो और सिमिलर वर्क को आप वहां पे डाल सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, वेबिनार हमारा होना है हर महीने में एक, तो मुझे अभी टॉपिक पता नहीं है, तो वेबिनार 1-2 पता है, तो 3, वेबिनार 3, वेबिनार 4 करके आप डाल के पूरा कैलेंडर बना सकते हो. एंड देन रोज उसमें से 5 जो टास्क है आप दिखा सकते हो, अपने सीनियर बंदे को बोल सकते हो कि भाई ये 5 काम आज करने हैं,
असाइंड है, नहीं होगा तो फिर पेंडिंग हो जाएगा, और पेंडिंग हो जाएगा तो फिर हम बैकलॉग में ले लेके चलेंगे, तो आप इस काम को जल्दी करो। तो ये है डील करने का तरीका, ये मैंने अभी निकाला है तो मैं आपके साथ शेयर करी। नेक्स्ट है ओनरशिप असाइन एंड मेजर। तो ये दोनों ही रह गया एक जैसा। वैसे मैं आपको बोल सकती हूं कि असाइन ओनरशिप ट्रस्ट डेलीगेट देन इवैल्यूएट, यस ये तो कर ही सकते हैं ना। तो ये दोनों ही तरफ से होगा, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि आपके पास जो आता है वो आपने किया एंड मेजर किया, ये आपको करना है। लीडरशिप हैज टाइम। अभी पिछले महीने ही मुझे मेरा काम जो अभी काफी इनोवेशन निकालने का है, नए नए तरीके से सोचने का है कि हम कैसे हेल्प कर सकते हैं ये जो 200 मेंबर्स हैं हमारे, बिकॉज हम है ना एसोसिएशन। तो इसमें क्या होता है कि नई चीजें जब आप निकालते हो वो नई चीजें पूरा फुल प्रूफ परफेक्ट नहीं हो जाता है पहले ही कोशिश से, उसमें टाइम लगता है कि ये कैसे आगे जाके अच्छा होगा, है राइट। सो चूंकि ये टाइम लगता है सो आप ये बोल सकते हो कि एनीथिंग न्यू डजंट हैपन इन जस्ट 8 आवर्स। 8 आवर्स मतलब क्या, एक दिन का काम, ये एक दिन का काम नहीं होता है। तो ये कुछ टिप्स जो मैंने दिए, एंड दैट इज ऑल, थैंक यू। एंड इफ यू कैन कम टू माय इनर सर्कल ग्रुप बाय रजिस्टरिंग हियर, ये आप रजिस्टर कर सकते हो इसमें एंड आ सकते हो। ये जो मैंने अभी टिप्स दिए ये आपके लिए मुझे लगता है कि फायदेमंद होगा। अगर आप वॉच कर रहे हो फेसबुक में तो इसके नीचे आप जरूर कमेंट में लिखिए कि वॉज दिस हेल्पफुल। अगर हेल्पफुल था तो फिर आप लिखिए कि कौन सा पॉइंट आपको बहुत हेल्पफुल लगा। और इसके इसमें कई सारे क्वेश्चन आपके होंगे, ये मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, तो वो क्वेश्चन कौन से है मुझे वो भी बता दें, ताकि मैं अगली बार जब कोई वीडियो करूंगी देन आई विल इनकॉर्पोरेट दैट थिंग इन हियर, ठीक। और देन ये सारे जो मैं वीडियोस कर रही हूँ ये मेरे यूट्यूब चैनल में भी जा रहे हैं, और सिस्टमेटिकली एक कोर्स में जा रहा है जो मेरे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में है, जो स्कूल में है, SKOOL। अगर आपको वो लिंक चाहिए, ऑफ कोर्स वो मेंबरशिप फी है उसमें, तो आप मेंबरशिप फी लेके उसमें आ सकते हो। कोई मेंबरशिप फी जो है वो आपका ईयरली है, लेकिन आपकी लर्निंग जो है वो लाइफ लॉन्ग होगा, और इसमें कुछ जैसे जैसे ऐड होता जाएगा वो सब आपके लिए, उस आपका सब्सक्रिप्शन जब तक रहेगा वो आपके लिए फ्री होगा। So thank you for watching this, and I'll be waiting for your comments, and yes, thank you.